अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बकरे वालों की बातें यूट्यूब चैनल। आज शाज़िब भाई के सेटअप पे हैं और शाज़िब भाई का सेटअप कूचा पंडित में है, गली सवारखा में है। तो अगर कोई ख़रीदारी करना चाहता है शाज़िब भाई से, उनके जानवर आपको समझ में आते हैं तो उनके सेटअप पर आ सकते हैं और एक एक करके मैं बकरा आपको दिखाऊँगा। और उससे पहले हम शाज़िब भाई से ही थोड़ा सा मार्केट के हालात जानेंगे और बकरों के बारे में थोड़े से रेट्स वगैरह भी निकालेंगे। तो शाज़िब भाई से पहले बात करते हैं, फिर बकरों के रेट्स निकालेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। शाज़िब भाई, 2021 बकरीद के कैसे हालात रहने वाले हैं? भाई हालात तो ये बता रहे हैं कि अभी गिरा नहीं है मार्केट में एक तो, और लेकिन जो पीछे से माल जो आ रहा है बहुत महंगा आ रहा है। अब लोग समझ रहे हैं जैसे सस्ता होगा, लेकिन ऐसा कोई सीन अभी दिख नहीं रहा। मार्केट हाई चल रही है और खरीदार अभी है नहीं। अभी जो मार्केट चल रही है, आज तारीख हो गई 29 जून, आगे चांसेस है कि और भारी होगी मार्केट? मार्केट भाई आगे भारी होगी, सस्ती तो नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे बकरे वालों को नुकसान हुआ था, मरे थे बकरे राजस्थान के अंदर, उन फार्मों के अंदर बकरे कम पले हैं, तो इस वजह से शॉर्टेज है बकरे की। तो भाई मैंने मंडी में देखा है जाफराबाद की कुछ मंडियों में, वो 330-340 रुपए का कैसा रेट दे रहा है भाई वो? भाई देखो 330 का वो रेट दे रहा है उनका बच्चा, अब हमारा बच्चा तुलवाओ दिल्ली में आकर लेके, और उनका बच्चा तुलवाओ, वो बच्चा आप 1 घंटे में तुलवा 10 के अंदर। और नस्ल भी तो देखी जा रही है ना भाई, नस्ल की कीमत है भाई, वो कट्टूरास है और ये पालने वाले बच्चे। तो मैं वीडियो में लोगों को हमेशा यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि 340 और 350 के चक्कर में ना पड़े, किसी ट्रस्टेड सेलर से ही माल खरीदें। देखिए शाज़िब भाई, एक बात ये भी होती है कि अगर आपसे किसी ने बकरा लिया और वो हो सकता है कि 2-4 दिन नहीं खा रहा या उसके पैर में कोई दिक्कत हो गई, तो अगला बंदा बोल सकता है कि यार शाज़िब भाई इसको एक्सचेंज कर लो या मैं दिल्ली में किसी की भी बनाता हूँ, तो ये अपना हो सकता है भाई? पहली बात तो मेरा बकरा कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने घर जाके आपके पास जाके ना खाए। माशाल्लाह मेरे घर के बड़े बच्चे आते हैं, कोई फार्म के बच्चे नहीं आते, सब घर से आते हैं मेरे, जितने मेरे पुराने कॉन्टैक्ट हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह को अभी तक मैं 6 साल से बकरे बेच रहा हूँ, तो अभी तक मेरा कोई बकरा किसी आगे बीमार नहीं हो, ना कोई वापसी रिटर्न आई। हाँ लेकिन ये है कि अगर कुछ फिर भी फ्यूचर में हो जाए तो मंडी वाले रिटर्न नहीं करते ना, वो तो बोलते हैं अच्छा है तो तुम्हारा, बुरा है तो तुम्हारा। बिल्कुल ठीक है ना भाई, इंशाल्लाह हम उसके साथ वो करेंगे, उसकी मदद करेंगे, जो भी हो सकती है इतनी हेल्प की उतनी हेल्प करेंगे। तो शाज़िब भाई अभी जो बकरे लाए हो कौन से नस्ल के बकरे हैं? भाई ये अजमेरी है इसके अंदर और बर्बर है, देसी मिक्स है इसके अंदर सब है। कितने बकरों का लॉट है भाई? ये 24 बकरों की लॉट है। कोई पूरी लॉट मांगे तो भाई दे देंगे, पूरी लॉट का सौदा हो जाएगा, सिंगल डबल का भी हो जाएगा, सिंगल डबल। तो शाज़िब भाई आप मुझे थोड़े से बकरे दिखाएं और उनके दाम मैं आपको शाज़िब भाई से निकलवाऊंगा कि किस तरीके के दाम है शाज़िब भाई के पास। जैसे भाई ये बकरा है, ठीक है शाज़िब भाई थोड़ा सा आगे लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नटिया है भाई अपनी, माशाल्लाह ये 70-75 किलो वेट में, 4 दांत के अंदर है, 4 दांत के अंदर 70-75 देसी बर्बर है, इसको ब्रीड बोल सकते हैं, जो बर्बरों के चाहने वाले हैं, जो हर साल बर्बरे बकरों की कुर्बानी करते हैं। तो शाज़िब भाई डिमांड क्या रहेगी इसकी? इसकी डिमांड 32,000 रुपए और 25,000 खाते दी है, मुँह से खाता है, भराई का कोई जानवर नहीं है। हाँ वो तो भराई के जानवर, तो अगर उनको ना दो तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन में तो वो तरना भी स्टार्ट कर देते हैं। 32,000 इसकी डिमांड है और नेगोशिएबल सारे प्राइस रहेंगे। ठीक है शाज़िब भाई, ये पीछे वाला खड़ा है व्हाइट, ये वाला। हाँ भाई ये 2 दांत के अंदर है और इसकी 17,000 रुपये डिमांड है। 17,000 रुपये डिमांड, ठीक है। ये व्हाइट वाली जोड़ी ले लेते हैं, अगर ये आ जाए तो बाहर थोड़ी सी, ठीक है। ये शाज़िब भाई का ही सेटअप है पूछा पंडित में गली सवार खाम है। नंबर तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप खरीदारी यहाँ से कर सकते हैं। ये कितने दांत की जोड़ी है भाई? ये 6 दांत है बच्चे और एक 4 दांत है। 6 दांत और एक 4 दांत, तो इसकी डिमांड क्या रहेगी? इसकी डिमांड 55,000 रुपये डिमांड है, बाकी नेगोशिएट तो हर बकरे में होगा। ठीक है, कोई देसी बकरा देखते हैं भाई, कोई और भाई? जैसे देसी की जोड़ी है, की दोनों ये देसी बच्चे, ये 2 दांत है भाई। ठीक है, दाम क्या रहेगा भाई? इनका दाम है 38,000। 38,000 रुपये जोड़ी की डिमांड है। और ये जो खड़ा हुआ है ब्राउन वाला? और भाई ये जोड़ी है दोनों की इनकी। ठीक है, एक 4 दांत के अंदर है और ये काला वाला बड़ा वाला 2 दांत के अंदर है। काला वाला 2 दांत है और ब्राउन वाला 4 दांत है। तो इस जोड़ी की क्या डिमांड है भाई? 45,000 रुपीज। तो एक एक बकरा कितने का हो गया भाई? 22,500। जोड़ी में से कोई सिंगल मांगे कि सिंगल दे दो तो मिल जाएगा? हाँ दे देंगे, कोई नहीं दे देंगे, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ दोनों साथ में रहता है। ठीक है, तो हमारी परेशान है तो उसके भी आगे परेशान। हाँ वो परेशानी रहती है। तो शायद भाई एक अदंत बच्चा भी इसमें से, और फिर उसके बाद अंडुल देखेंगे, जो अंडुल खरीदना चाहते हैं, जो अंडुल की कुर्बानी करते हैं। अदंत बच्चा एक है अपने पास, थोड़ा सा आगे लेके आना भाई। ये है अदंत बच्चा अपने पास, ये 6 महीने का बच्चा है, इसका वेट होगा भाई 38 से 35। ठीक है, तो ये किस दाम का रहेगा भाई? 14,000 रुपये डिमांड है। डिमांड 14,000 रुपये, ठीक है। अदंत बच्चा है पालने के लिए, अगर नेक्स्ट ईयर किसी को पालने के लिए चाहिए हो, अगले साल इसकी अच्छी कुर्बानी हो जाएगी। और शायद भाई अंडवा ले लेते हैं। और भाई
ये अडवाया अपने पास दांतों के अंदर दो है, दो दांतों में अंडवाया। लाइव वेट कितना होगा जी? लाइव वेट इसका वेट भाई होगा 35 और दांतों में दो है दो। तो डिमांड क्या है? 15,000 रुपए। एक अंडवा पीछे भी खड़ा हुआ है। आप चाहो तो इसकी जोड़ी भी बना लेना या आप चाहो तो इसको सिंगल ले लेना। जोड़ी के हिसाब से अगर कोई खरीदना चाहे तो जोड़ी खरीद लेना और सिंगल के हिसाब से खरीदना चाहो तो सिंगल खरीद लेना। तो इसकी क्या डिमांड है भाई? इसकी 12,000 रुपए। ये इससे हल्का है ना? हाँ भाई इससे हल्का है। ठीक। और भाई ये कटवा ये भी है अदन के अंदर, अदन के अंदर मुश्किल से 2-4 दिन तक जाएगा ये। अच्छा, तो ये नस्ल कौन सी आ रही है शादी भाई? गुजरी के अंदर, अजमेरी के अंदर। गुजरी अजमेरा में आ रही है। और डिमांड भाई? 15,000 रुपए इसके। 15,000 रुपए डिमांड है शादी भाई। और भी हैं क्या बकरे ऊपर? अभी बकरे भाई ये अंदर बैठे हुए और जैसे एक बच्चा ये नटिया अपने पास दिया। हाँ ठीक है, माशाल्लाह ये काली नटिया देखो बहुत अच्छी है, सबसे हैवी बकरा मेरे पास ये है। यहाँ पर 75-70 है भाई, 80 भी बैठ सकता है। थोड़ा सा पीछे ले लेना बस भाई से, आप देखिए 75-80 भी बैठ सकती है। और किलो का तो हिसाब है नहीं ना शादी भाई यहाँ पे? नहीं, किलो में अगर भाई कोई लेते तो 400 रुपए किलो दे देंगे कोई सा भी बकरा उठा कर। कोई सा भी बकरा अगर आपको लगे कि नग से महंगा पड़ रहा है मुझे और मैं किलो से कांटा करवाना चाहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बरबरा खड़ा है, इसको आप 400 से तुलवाना चाहो या आप इसको नग से लेना चाहो, ये आपकी खुशी है। ठीक है शादी भाई, ये वाली जोड़ी देखेंगे सोजत की है। वो अगर वहीं खड़े रहें तो ठीक है, वह खड़ा हो जाए। ये दांतों में कितनी है? भाई दो दांत की। तो जोड़ी की क्या डिमांड है भाई? भाई जोड़ी की 48,000 रुपए। और एक बकरा जो है वो लाइव वेट पे कितना आ रहा है भाई? जो ये बड़ा वाला बकरा है ये 65-70 किलो वेट में आ रहा है। 65-70 किलो में? हाँ, और ये आ रहा है 70-60 किलो। तो अगर 70 में आ रहा है तो 28,000 रुपए का ये पड़ जाएगा वैसे भी सिंगल। तो नग से देख लेना या जिसका जैसा भी माइंड हो उसको लगे कि मुझे नग में सस्ता पड़ता है या किलो में सस्ता पड़ता है तो आप डील कर सकते हैं। काला वाला पीछे जो छोटा खड़ा है ये देसी बकरे हैं। ये देसी बकरे के अंदर होगा ये 40-45 40-45 किलो का। ठीक है, और डिमांड क्या रहेगी? 14,000 रुपये। ठीक है शादी भाई, अंदर से भी निकालना, वो ब्राउन वाले अच्छे बैठे हैं बच्चे। ठीक है, बर्बरों का सेटअप है, देसी बर्बरों का। ये भी 4 दांत के अंदर बच्चा भाई, और ये भी अपना 70-75 बैठेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और डिमांड इसकी भाई? इसकी डिमांड 32,000 रुपये। 32,000 रुपीज़। ठीक है, और वेट में चाहे वेट में ले लेंगे। ठीक है, तो शाज़िब भाई और बच्चा भाई एक बच्चा ये है। ठीक है, मुंडा ये तो खजूरी कान में आता है ना, इसको खजूरी कान में बोलते हैं। बरबरा 26,000 रुपये। ये भी तकरीबन लग रहा है ना 60 के आसपास का? हाँ, ये 60 से ऊपर ही है। ठीक है भाई, तो अभी बरबरों का लॉट है यहाँ पे, जितने भी बकरे हैं आप खरीदो आकर के, अच्छे लगे तो। शादी भाई और दूसरी गाड़ी कब आ रही है भाई? इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में है। तो उसमें बरबरे आ रहे हैं या कोई और सी नस्ल भी आ रही है? बड़े भी आएंगे। बड़े भी आएंगे। और अगर किसी का बजट कम है, बोलता है कि भाई मेरा 10,000 रुपए का बजट है, तो बकरा मिलेगा यहाँ पे अगली बार? नहीं भाई, कह नहीं सकते कुछ भी, 10,000 का बकरा बहुत मुश्किल है भाई। 10,000 700 रुपए किलो खोजे मार्केट के अंदर, 10,000 का बकरा कहाँ से लाएंगे? असल में ये भी होता है ना, कुछ लोगों का बजट नहीं होता और वो कुर्बानी करना भी चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त तो कोई ऐसी मार्केट में दिख नहीं रहा कि मुझे 10,000 बकरे टकराया मुझे। लेकिन कोशिश करी आएगी जब बकरा ढूंढने निकलेंगे तो। हल्के बकरे मिलते हैं तो मैं जरूर लाऊंगा। 10 का ना हो तो 12 का तो आएगा ही। जैसे अभी देखा था इसने, इसमें अंडुल 12, तो 12,000 का भी एक बकरा हमने इसमें देखा था, ये वाला अंडुल। ठीक है, तो शादी भाई और अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। नहीं कुछ नहीं, बस भाई यही आप एक बार प्रॉपर एड्रेस समझा दो यहाँ पे। भाई मेरा प्रॉपर एड्रेस है चावड़ी बाजार से, आप आओगे कूचा पंडित। ठीक है, कूचा पंडित से अंदर घुसोगे सवार का मस्जिद है, वहाँ पर आके मुझे कॉल करना तो लड़का लेने भेज दूंगा। ठीक है, अगर आप बाय मेट्रो भी आना चाह रहे हैं ना दिल्ली के किसी हिस्से से भी, तो चावड़ी उतर जाना और वहाँ से मैक्सिमम 5 मिनट का रास्ता है, तो पैदल चल के आ जाएंगे। तो मोस्टली मुझे लगता है 200 मीटर भी नहीं होगा यहाँ पे, 200 से 250 मीटर ये सेटअप पड़ेगा आपको। तो आप आ सकते हैं यहाँ पे और बकरे खरीद सकते हैं अपने मन मुताबिक, अपनी मर्जी के हिसाब से। तो दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।